आपको बता दें कि निकाय चुनाव का रण काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि लगातार जो है एक तरफ तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं, तो तमाम कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, तो वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं 1 बजे तक के। और लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर शाम तक और वोटिंग परसेंटेज कितने बढ़ते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त हम बीकेटी के वार्ड नंबर 16 में मौजूद है, जहां पर जो एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है निर्दलीय प्रत्याशी पर कि उनके द्वारा जो है बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा गया है। इसके साथ ही जो उस महिला के द्वारा जो है पुलिस को कंप्लेन भी की गई है, उस कंप्लेन में दर्शाया ये गया है कि वो महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जब पोलिंग बूथ पर पहुंची थी तो उस दौरान जो मोहनलाल यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके द्वारा उससे कहा गया कि उसका जो वोटिंग है वो उसके बटन पर करे, लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो एकाएक उसको थप्पड़ मारने की बात कही गई और उसके साथ ही जो महिला का आरोप है कि उस निर्दलीय प्रत्याशी ने उनको थप्पड़ मारा गया है। क्या ये मतदान केंद्र के बाहर ही मारा गया, और अगर मारा गया तो क्या पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, क्या पुलिस ने बचाव करने का प्रयास नहीं किया? देखिए, जो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस तो हर पोलिंग बूथ पर है, लेकिन जिस तरीके से महिला का आरोप है या फिर हम बात करें कि आज ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, फिर चाहे अलीगंज में बात की जाए या फिर बीकेटी की बात की जाए या फिर ऐशबाग की, क्योंकि ऐसे कई पोलिंग बूथ है जहां पर हिंसक की बात सामने आ रही है कि जो प्रत्याशी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने, उनसे झड़प की जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही है। जैसा कि एक अभी जो पूर्व डिप्टी सीएम उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा जो है जो मतदान स्थल है उसके अंदर नारे लगाए गए, लोगों को धमकाया गया, इस तरीके के आरोप लगा के वहां पे लोगों ने जो विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया। लेकिन इस जो मामला बीकेटी का है, नगर पंचायत वार्ड नंबर 16 का, यहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसके ऊपर महिला ने आरोप लगाया है, क्योंकि महिला का कहना यह है कि उसको जो है निर्दलीय प्रत्याशी मोहनलाल यादव ने थप्पड़ मारा, इतना ही नहीं उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। अगर उसके जनता अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में अगर प्रत्याशियों द्वारा महिलाओं को या फिर युवकों को ही थप्पड़ मार दिया जाएगा तो क्या जनता डर के मारे फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल वाकई में करेगी? देखिए, जिस तरीके से जो डर पैदा किया जा रहा है उससे साफ है कि जो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके अंदर डर भी है। लेकिन जो बात की जाए, एक तो मताधिकार बहुत कम पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो इस बार जो वोटिंग लिस्ट है उसमें से बहुत लोगों के नाम गायब है, क्योंकि 150 से ज्यादा वोटर्स के नाम ही लिस्ट में नहीं है, लेकिन जिनमें वोटर्स के नाम है वो जब अपना इस्तेमाल करने जा रहे हैं मताधिकार का, तो वहां पर उनको धमकाने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की बात की जाए, जो अधिकारियों की बात की जाए, वो लगातार मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन जब जायजा लेने के बाद निकलते हैं तो पुलिस पर जो आरोप लगता है कि ढुलमुल रवैया भी अपना रही, जब अधिकारी आते हैं तब स्ट्रिक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी निकलते हैं वैसे ही ढुलमुल रवैया अपना लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मतदान स्थल पर जो भी प्रत्याशी है या फिर उसके समर्थक है वो लोग नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब इस तरीके की बातें सामने आती है तो साफ कहा जा सकता है कि जो ठीक है वोटर से जो मताधिकार का चुनाव आयोग के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादातर लोगों के नाम नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के नाम है उनसे मतदान केंद्र के बाहर बदसलूकी हो जाती है, हिंसा हो जाती है, तो फिर आखिर जनता क्यों वोट देने जाएगी? अपने जान को जोखिम में डाल करके कोई भी मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा फिर तो? देखिए, बात इसमें यह उठती है कि जिस तरीके से पुलिस और चुनाव आयोग के साथ ही जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि मतदान का इस्तेमाल करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी कराया जाएगा, लेकिन कई ऐसे स्थल हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मतदान स्थल है जहां पर लोगों के साथ अभद्रता करने का भी मामला सामने आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही की बात है कि अलीगंज का भी एक वार्ड है जहां पर देखा गया था कि वार्ड के जो मतदान स्थल है उसके बाहर बीजेपी समर्थक और सपा समर्थक आपस में झड़प कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने पहुंची और पुलिस ने मामला शांत कराकर दोनों को अलग कर दिया था। लेकिन जो कंप्लेन की बात की जाए कि आज जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था है? क्योंकि सवाल ये है कि ये कहा जा रहा था कि दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या वो व्यवस्थाएं आपको वहां मौजूद नजर आई है? देखिए, जो मतदान स्थल पे जो बुजुर्ग और दिव्यांगों की बात की जाए, कई ऐसे स्थल भी देखे गए हैं जहां पर इस तरीके की सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ बात की जाए जो वीआईपी स्थल हैं जहां पर नेता मंत्री और
पार्षद लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर इस तरीके का इंतजाम किया गया, व्हील चेयर भी है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थल यानी कि ग्रामीण स्थलों की हम बात करें तो ग्रामीणों में ज्यादातर ऐसी सुविधा नहीं देखी जा रही है, क्योंकि वहां पर पुलिस फोर्स जरूर है लेकिन जो सुविधाएं की बात की जाए वो सुविधाएं नहीं नजर आई है, जिसको लेकर के जो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो बुजुर्ग पहुंच रहे हैं उनको केवल उनके जो परिवार के लोग है वो सहयोग देते हुए ले जा रहे हैं। अलीगंज का जो केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जहां पर मतदान हो रहा था, वहां पर कई बुजुर्गों को भी देखा गया कि उनके जो परिजन है वो लोग उनको सहयोग करते हुए मतदान स्थल तक ले गए और वहां से फिर सपोर्ट देते हुए बाहर तक लाए और गाड़ी में बैठा कर ले गए। वहां पर ना व्हील चेयर देखी गई थी ना ही कोई सुविधा देखी गई थी, जबकि बड़ी बात है कि वहां पर बीएलओ तक मौजूद नहीं था। सुविधा है उनके परिजन उनको मतदान केंद्र के अंदर लेकर पहुंच रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है, फिर कौन जवाब देगा? देखिये इसमें जवाबदेही जो है ये साफ जिलाधिकारी की है, क्योंकि जिलाधिकारी ने जिस तरीके के निर्देश दिए थे और बीएलओ को निर्देश दिए थे कि जहां पर भी वो लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के स्तर के जो अधिकारियों को लगाया गया था, लेकिन वो लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि वो लोग पहली चीज तो मतदान स्थल पर देरी से पहुंच रहे हैं और देरी से पहुंचने के साथ साथ जो वहां पर वोटर्स आ रहे हैं उनके साथ भी सही रवैया नहीं अपनाया जा रहा, क्योंकि जब उन तक लोग समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं तो उनकी सुनवाई नहीं करे, जिसके बाद वो निराशा लेकर वापस लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतदान स्थल पर जो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जब उनकी समस्या ही नहीं सुनी जा रही तो वो किससे आखिर कहेंगे, क्योंकि जो बीएलओ है बीएलओ खुद स्थल पर नहीं मौजूद मिल रहे, क्योंकि हम बात करें कि हमने कई खुद स्थलों पर जाकर के जायजा लिया है लेकिन वहां पर देखा गया कि बीएलओ मौजूद ही नहीं था। चाहे फिर ऐशबाग की बात करें, अलीगंज वार्ड की बात करें या फिर बीकेटी वार्ड की बात करें, कहीं पर भी बीएलओ नजर नहीं आया। कहा जा रहा है कि बीएलओ कहीं गए हुए हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं या फाइल देख रहे हैं, लेकिन बीएलओ वहां पर नजर नहीं। जो वहां पर लोग आ रहे थे जो वोटिंग करने के लिए आ रहे थे उनका कहना है कि बीएलओ उनको नजर नहीं आया, जिनके नाम लिस्ट से गायब थे वो लोग भी वहां पर काफी देर तक खड़े रहे। उन्होंने भी कहा उनकी भी समस्या का किसी तरह का समाधान नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोग निराश होकर के घर जाकर के आराम से बैठेंगे, क्योंकि वो लोग अपने वोटिंग का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी थी। लेकिन फिर कलीम ऐसे आधे अधूरे मतदान कराने का फायदा क्या है? कुछ देर और चुनाव आयोग रुक जाता, जब पूरी सूची तैयार हो जाती तब फिर वोटिंग कराई जाती। देखिए इसमें बात यह कही जा सकती है कि ये जल्दबाजी में चुनाव कराया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो है 3 महीना लेट हुआ पार्षदी चुनाव और मेयर चुनाव का, इसके बाद जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई तो एकाएक जल्दबाजी में ये चुनाव हुआ और जिलाधिकारी ने भी और कई अपीलें की कि लोग अपने मतदान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जब उनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है तो वोटिंग लिस्ट जब तो वोटर पहुंचे गए और निराशा लेकर के वापस पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक बड़ी लापरवाही भी है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसको थोड़ा सा समय लेना चाहिए था, पहले उसको डिटेल हासिल करनी चाहिए थी, क्या लोगों का जो मताधिकार का इस्तेमाल होना है क्या उन तक जो है उनके नाम वोटिंग लिस्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, या फिर जिनके नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि एक दो वोटर्स की बात नहीं की जा रही है, पूरे पूरे वार्ड में 150 वोटर्स के नाम नहीं है। फिर चाहे चिन्हट की बात की जाए, चिन्हट से जानकारी आई है, हास मऊ का जो वार्ड है और या फिर जो ऐशबाग का वार्ड है वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है कि उन लोगों के पूरे पूरे मोहल्लों के वोटर्स के नाम गायब हैं, जिसमें 150 से अधिक वोटर्स हैं। तो मतदान का जो परसेंटेज है वो भी कहीं ना कहीं इसी के जरिए कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी लगातार इस वोटर्स को अपील कर रहे हैं कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लेकिन जब वोटर्स के पास उनका मतदान अधिकार ही नहीं है तो फिर वो लोग किस तरीके से वोटिंग अपनी करेंगे। तो जाहिर सी बात है जुड़ने के लिए तो बिल्कुल सही कहा कि जो लगातार अपील की जा रही है कि पहले आप मतदान करें, मतदान स्थल पर जाएं, लेकिन जब लोगों के नाम ही वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर आखिर वो किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, सवाल ये भी बड़ा है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन संबल और अमरोहा से जो तस्वीरें हमारे पास सामने आई है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। तो वही संबल में फर्जी वोटिंग करने की कोशिश का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने लगातार इस पूरे मामले को एक्शन लिया है। 3 महिलाओं समेत 13 लोगों को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी लिया है। बुर्का पहनकर फर्जी वोट डालने की लगातार कोशिश की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बुर्का पहनी महिलाओं के साथ कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो तकरीबन हर जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां अमरोहा में जहां पत्थरबाजी की घटना भी देखने को मिली, खास तौर से पश्चिम यूपी से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है, चंदौली, अमरोहा, और अब लगातार जो पश्चिम यूपी है वहां से ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर भी पश्चिम यूपी से ही ऐसी खबरें निकल के सामने आई, जिसके बाद कहा गया कि पश्चिम यूपी शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से जाना गया है कि जो फर्जी
जो फर्जी वोटिंग होती है, जो फर्जी वोटर्स होते हैं, यही वजह है कि पुलिस ने इन सभी इलाकों पर खासी निगाह भी बनाई हुई थी, पैनी नजर थी, क्योंकि इन इलाकों को संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जो फर्जी वोटिंग की खबरें थी वो यहाँ सामने आई थी। तो निकाय चुनाव में भी अमरोहा, संबल और चंदौली में एक बार फिर से फर्जी वोटिंग की खबरें सामने आई है, जहाँ फर्जी वोटिंग के चक्कर में अमरोहा में तो पत्थरबाजी हुई, लेकिन चंदौली और संबल में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो लखनऊ में नगर निगम को लेकर लगातार वोटिंग जारी है, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में भी लगातार सुबह से ही वोटिंग जारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने पत्नी के साथ अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि गोमती नगर के बूथ पर मतदान किया है। तो लखनऊ में घंटों से ठप पड़ा है स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऐप। जी हाँ, सुबह से ही लगातार ये ठप पड़ा हुआ है ऐप, और 3 घंटे से नहीं चल रहा स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऐप। 3 घंटे से सर्च नहीं हो रही है यूएलबी की आईडी, और तकरीबन 3 घंटे से ही ये ऐप ठप पड़ा है। किसी भी मतदाता की पर्ची निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये ऐप, तो 3 घंटे से ही ये ऐप जो है ठप पड़ा है। तमाम मतदाता बूथ पर दिखा, यही हाल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भी लगातार वोटिंग जारी है। सपा मेयर प्रत्याशी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वही जनता से वोट देने की भी अपील इस दौरान सपा प्रत्याशी ने की है। तो काजल निषाद ये सपा की मेयर पद की प्रत्याशी है, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ अब ये लोगों से भी अपील कर रही है कि ये ज्यादा से ज्यादा की संख्या में मतदान दें। तो गोरखपुर में भी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मतदान किया है, साथ ही साथ वो लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आए हैं। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोगों से भी वोट देने की अपील की है। तो लखनऊ में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। 1 बजे तक लखनऊ में महज 30% तक ही वोट पड़े हैं, तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम दिखाई दिया। 9 मंडल के 10 नगर निगम में लगातार वोटिंग जारी है। तो निकाय चुनाव पर बोले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। निकाय चुनाव पर आरएलडी प्रमुख का बयान भी सामने आया है। जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों को चुने जो नगरों का विकास करें, ताकि नगरों और शहरों का विकास हो सके। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा, और लोगों से भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तो निकाय चुनाव पर आरएलडी प्रमुख ने लोगों से अपील की है। तो लखनऊ में आप प्रवक्ता ने भी मतदान किया है। आपको बताते चले कि आप प्रवक्ता ने मतदान किया है। आपके प्रवक्ता प्रतपाल सिंह ने अपने परिवार के लोगों के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की है। अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे प्रतपाल सिंह। तो बिजनौर में धड़ल्ले से फर्जी वोटिंग जारी है, धड़ल्ले से चल रही है फर्जी वोटिंग। एक और खबर बिजनौर से है, जहां 3 लोगों को फर्जी मतदान करते हुए पुलिसकर्मियों ने पकड़ा है। जी हां, तो एक बार फिर से फर्जी मतदाताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी मतदान करने वाले लोगों को पुलिस ने थाने भी भेज दिया है। प्राथमिक विद्यालय चाहशी जानी चौराहे की पूरी घटना बताई गई है, जहां पुलिस ने फर्जी मतदाताओं को गिरफ्तार किया है। खबर बिजनौर से है, जहां धड़ल्ले से फर्जी वोटिंग करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी जारी हो चुका है, जहां गोरखपुर में 26.34% मतदान हुए हैं, तो लखनऊ में 30% मतदान 1 बजे तक किए गए हैं, जबकि आगरा में 26.04% ही महज वोटिंग हो पाई है। वहीं रामपुर में 27% तक का मतदान हुआ है, तो वहीं मथुरा में 25% ही वोटिंग डाली गई है। तो लगातार प्रथम चरण में वोटिंग जारी है, जिसके आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं, और हम
हर एक जनपद वासियों से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने 5 साल के लिए विकास के लिए अपने प्रत्याशी का चयन करें। तो गोरखपुर में 26.34% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आगरा में भी 26.04% वोटिंग हुई है। तो पहले मतदान फिर जलपान। जी हाँ, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 2 गज की दूरी लेकिन वोटिंग भी है जरूरी। तो प्राइम टीवी सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और आगामी 5 साल के लिए अपनी किस्मत का फैसला वो खुद ही करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।